नमस्कार, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। उन 50 दिनों तक आपकी परीक्षा चलने वाली है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 17 तारीख से शुरू होगी, 17 सितंबर से, और मॉक टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये सारी जानकारी शुरू में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है कि जिसमें बताया गया है कि मॉक टेस्ट का लिंक है वो आ गया है और 50 दिनों तक आपकी परीक्षा चलने वाली है। तो हम कर लेते हैं इसका विश्लेषण इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दैनिक भास्कर पेपर की खबर है जो कि रायपुर से है कि रायपुर सहित देश भर में 17 सितंबर को होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पहली बार उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के साथ उनके परीक्षा केंद्र की लोकेशन का गूगल मैप लिंक दे दिया गया। यानी कि अब आप गूगल मैप भी दिया गया, गूगल मैप के जरिए अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। पहली बार हुआ है इंडिया में ऐसा, पहली बार हो रहा है किसी परीक्षा में जब गूगल मैप में भी लोकेशन से आप लोकेशन पता कर सकते हो कि हमारा जो परीक्षा केंद्र है वहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों ये अब की बारी हुआ है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ से 2 लाख से ज़्यादा युवा शामिल हो रहे हैं, और रेलवे ने उम्मीदवारों को जो एडमिट कार्ड जारी किया है पहली बार उसे में गूगल मैप के जरिए बताया गया है कि उनके परीक्षा केंद्र का दूर दराज के सब परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुँचे, इसलिए सुविधा शुरू की गई है कि गूगल मैप के जरिए आप अपना जो लोकेशन है परीक्षा केंद्र है वो देख सकते हैं गूगल मैप से। तो ये बहुत ही बड़ी आसानी हो गई है दोस्तों आपके लिए कि आप अब गूगल मैप के ज़रिए भी देख सकते हैं। दोस्तों तो रेलवे अफसरों ने बताया कि परीक्षा से 4 दिन पहले अर्थात 13 सितंबर से अपना उम्मीदवार अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे, और इसी में गूगल मैप से परीक्षा केंद्र की लोकेशन और एड्रेस दिया है। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दिया था वीडियो कि 13 सितंबर को आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियली जारी कर दिए जाएंगे। तो दूसरी खबर यहाँ पे देखिए कि रेलवे ग्रुप डी में के 1059 पदों के लिए 17 से परीक्षा, 62,000 से ज़्यादा पदों के लिए है। 1.89 लाख उम्मीदवार बिलासपुर में 1159 पद। ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए पूरे देश में यह परीक्षा पदों के हिसाब से 7-7 होगी। देश भर में 62,907 पदों के लिए 1,90,00,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। आरआरबी बिलासपुर में इन पदों की संख्या 1159 है, और छत्तीसगढ़ के 2,04,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इसी तरह पूरे बिलासमार जोन अर्थात नागपुर के साथ रायपुर और बिलासपुर को मिलाकर 8,35,000 परीक्षार्थी हैं, यानी कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, जो कि है बिलासपुर और रायपुर को मिलाकर 8,35,000 अभ्यर्थी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, जो कि मात्र रायपुर और बिलासपुर के ही हैं। इसके अलावा देश के कोनों कोनों में से यहाँ पे परीक्षार्थी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भारी संख्या में इसमें परीक्षार्थी होंगे। दोस्तों तो बंपर भर्ती ये निकली हुई है रेलवे ग्रुप डी की, जिसकी परीक्षा 17 से शुरू होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उन 50 दिनों से परीक्षा चलने वाली है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी खबर, दोस्तों जो कि खबर है ये आपको दैनिक भास्कर ई पेपर में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से ही हमने ये खबर प्राप्त की है दोस्तों। तो रेलवे की ये परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर यानी उन 50 दिन तक चलने वाली हैं। परीक्षा 3 पाली में होने वाली हैं, और देश भर में 407 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। देश भर में 407 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी, यानी कि जगह जगह, यानी कि पूरे इंडिया में 407 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं दोस्तों। 33 यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 राज्यों में 407 परीक्षा केंद्र है, और रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और रागपुर में बने परीक्षा केंद्रों में रोजाना 18,443 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल रहेंगे। और रायपुर में 2, बिलासपुर में 1, भिलाई में 3, दुर्ग में 2 और नागपुर में सबसे अधिक 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर के परीक्षा केंद्र में रोज यहाँ पे 3,318 परीक्षार्थी शामिल रहेंगे। रायपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिले 3,318 परीक्षार्थी शामिल होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे उन 50 दिन तक परीक्षा चलने वाली, और मॉक टेस्ट का लिंक है वह जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए। तो मॉक टेस्ट का लिंक अभी तो प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उन 50 दिनों तक आपकी परीक्षा चलने वाली है रेलवे ग्रुप डी की।
होने वाली है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान देखने को मिल रहा है पीयूष गोयल की तरफ से। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।